कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, आपको देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो सर्दियां आ गई हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना चिक्की बनाई जाए पीनट की। तो आज मैं पीनट की चिक्की बनाऊंगी, वो भी शुगर के साथ, और बस इन तीन चीज़ों से ही बनने वाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये चिक्की की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। ये मैंने मूँगफली ले ली है 1 कप, और 1 कप ही मैंने लिया है यहाँ पर चीनी, और 1 टीस्पून मैंने लिया है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। और ये गुड़ से भी बनती है लेकिन मैं चीनी से बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली गुड़ कभी कभी घर में नहीं भी होता सबके, तो चीनी सबके ही घरों में होती है, तो इसलिए मैं चीनी से बना रही हूँ। इंशाल्लाह गुड़ से भी आगे सिखाऊंगी। तो ये जो मैंने मूँगफली ली है ये रोस्टेड नहीं है, ये अनरोस्टेड है। तो इसको मैं करूँगी पहले रोस्ट और फिर आपको दिखाती हूँ इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पीनट्स को जो है ये रोस्ट कर लिया है, और इसके ऊपर जो रेड वाला वो होता है छिलका, वो मैंने इसको निकाल दिया इस तरीके से करके। तो अब हम बनाएंगे चीनी से इसका शिबो जो बनाएंगे, चीनी को मेल्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाए, तो ये चीनी मैंने डाल दी है। कुछ लोगों को ये जो चिक्की बनाते हैं तो उसमें चीनी का जो वो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसमें पीनट ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसका बिल्कुल मैंने इसका जो फ्लेम है वो लो किया हुआ है। तो चीनी को मेल्ट करते हैं और आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल हल्की फ्लेम की हुई है इसकी, तो ये लो फ्लेम के ऊपर जो है ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। और जब भी चीनी को मेल्ट करेंगे तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ करेंगे, इसकी कोई छींट वगैरह ना आए आपके ऊपर, तो इससे जलते हैं तो फिर बहुत ख़तरनाक जल जाते हैं। तो बस ख्याल रखिएगा कि ये जो शीरा बनाएंगे इसका, शीरा नहीं जो इसको सिर्फ मेल्ट करेंगे, तो ज़रा हाथ बचा के करेंगे। ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन एक दो बस इसके कहीं कहीं जो है छोटे छोटे ग्रैनुल रह गए, ये देखें। तो बस ये हो गई है, इसके अंदर अब मैं डालूंगी बटर, इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को गुड़ की भी सिखाऊंगी और ड्राई फ्रूट वाली भी सिखाने वाली हूँ बहुत जल्द, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो बस जैसे ये पूरा अच्छे से मिक्स होगा तो इसके अंदर हम पीनट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है और कितना प्यारा सा इसका जो है इसके कैरमल का कलर आया है, देखिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी पीनट्स और इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर लूंगी। और एक मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया है, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड वगैरह नहीं है, मेरे पास वुड का है, तो आप इसको किसी थाली में या प्लेट वगैरह में स्टील की जो होती है उस पर भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पूरा, ये देखिए इसको हल्का हल्का सा मैं बस, इसको बहुत जल्दी जल्दी करना है ये काम, इसको इस तरीके से। और मैंने इसको भी ग्रीस कर लिया था हल्का सा ऑयल से या घी से, आप किसी से भी कर सकते हैं। और ये देखिए आपको जितनी मोटी और पतली बनानी हो इसको कर सकते हैं, मुझे ये ज़रा मोटी अच्छी लगती है, और इसके अंदर मुझे चीनी थोड़ी कम अच्छी लगती है, और जो भी ड्राई फ्रूट या पीनट हो वो ज़्यादा। तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये बस हो गई है, तो अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर निशान, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो उस वक्त मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखें ये जो है ठंडी हो गई है, और ये कम्प्लीटली नहीं हुई है, अभी हल्की सी है ये, लेकिन ये ऐसी हो गई है कि मैंने इसके इस तरीके से पीसेस निकाल लिए हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ये, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। मुझे बड़ी वाली मूँगफलियाँ मिली थी तो मैंने बड़ी ले ली, आप देख लीजिएगा आपको छोटी बड़ी जो भी पसंद हो आप वो ले लीजिएगा। तो अब मैं इसको निकालती हूँ, देखें कितनी अच्छे से बनी है। और ये जो मैंने निशान लगाए थे इसको इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, तो सारी निकाल लेती हूँ इसी तरीके से। ये देखें इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, और ये जो साइड्स पे थे ये छोटे छोटे, ये देखें कितने अच्छा बना है ये,
देखें, मैं दिखाती हूँ आपको उठा के, बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह गुड़ की भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, आपको पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।